अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुर्शिद, आप देख रहे हैं फन विद मुर्शिद यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हम जा रहे हैं गिलगित के तरफ, इस्लामाबाद से गिलगित, और ये भाइयों ने सामान उठा लिए, मैंने भी सामान उठा लिया, भाई ने भी, सो अभी जा रहे हैं गिलगित और हम खड़े हैं इस्लामाबाद। अभी फैसल मूवर्स के जनाब जा रहे हैं और सामने ही बसेस खड़ी हैं और यहाँ से हम जाएंगे गिलगित, वहाँ पर आपसे मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अभी ताहिर भाई जा रहा है टिकट कंफर्म कराने, क्योंकि ऐसा भी होता है क्या बोलते हैं बाजार के वहाँ पर भेज देते हैं ना दूसरे स्टॉप, तो हमें जाना है यहाँ से, तो ताहिर भाई गए हैं पता लगाने, फिर चलते हैं। इतनी इतनी हसीन हमारे भाई काशी और ताहिर, माशाल्लाह गर्मी इससे इसने नहीं, हाँ पीछे तो नहीं है, हाँ ओके ओके। भाई साहब वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, ये हमारा सामान, सामने फायज और ये हमारा काशी भाई और ये तुम्हारा मुर्शिद भाई साहब। जैसे कि हम निकल चुके हैं एक दूसरी गाड़ी पर, एक लिफ्ट लिए, ऐसे ही लिफ्ट लिए है ना, ओके सो ये दोस्त लोग मेरे मिलते हैं वहाँ पे। सर आपकी गुंजाइश पे इनकी लड़ाई फाइट, और आपकी गुंजाइश पे ये मोहब्बत, ये गाना सुना रहे हैं, आप गाना सुनाए लड़ी मौका मिली कभी कभी, मौसम देखो सर, हाँ इधर से ओए ओए मौसम देखो सर, बारिश वाली, जब यहाँ पर सारा दिन हमने गुजारा इतनी गर्मी, शदीद गर्मी थी, अब निकल रहे हैं और देख सकते हैं आप ही आज अभी मौसम देखें ब्रो, जबरदस्त। हाँ और भाई सुनो, हेलो मौका मिले कदी कदी के लड़ी लिए अजीता अजीता, ओए होए ओए होए, तो भाई ये ठगाना हमारा अभी, ओए होए मार आपने देखी, ओए होए ओए होए होए होए, कैसा है? ओके सो यही है भाई, हम बैठे हैं इंतज़ार में, अभी तक गाड़ी नहीं आई और गाड़ी का टाइम था 4 बजे और अभी क्या टाइम है, 5:00 तो वहाँ पर बोला ना, यहाँ पर 5:00 और फिर यहाँ पर 5:00 और क्या क्या हो रहा है, क्या 5:06 तो हो रहे हैं, 5:56 हो रहे हैं, तो मेरी गाड़ी है ना सामने खड़ी है, होने वाले बस 4 मिनट बाकी है, यहाँ पर चले वहाँ पर मिलेंगे, साथ हो जाए सही, पीएम इमरान खान जिंदाबाद जी ना जी। अभी फैसल मोज की जो रावलपिंडी से गिलगित होने वाली बस है वो अभी निकल चुकी है और हम भी उसमें बैठ चुके हैं, तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा सफ़र बेहतरीन रहे, हमारे साथ काशी भी हैं मुर्शिद भी हैं, तो इंशाल्लाह आपको इस सफ़र में साथ रखेंगे, दुआ कीजिएगा बहुत सफ़र अच्छा हो सके, और कमेंट भी बताइएगा कि हमारा ये टूर आपको कैसा लग रहा है। भाई साहब गिलगित ले रवाना हो चुके हैं, अभी मेरे ताई ने वीडियो बनाई, अभी मैं ही बता रहा हूँ, गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी भी स्टार्ट, बाकी है कि रावलपिंडी से जो है वो उनसा गिलगित के लिए जो है गाड़ी वो निकल चुकी है, हम यहाँ से जाएंगे गिलगित, ओके इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी और रास्ते में छोटी छोटी सी वीडियोज़ ऐसे बनाएंगे जिसमें आपको गिलगित में आने वाले बीच के रास्ते आपके सामने रखे जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, ये तो रात का व्यू, आप बिल्कुल आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, ओके। फाइनली भाई डिनर के लिए होटल पे रुका है भाई ने मस्को, और भाई ताहिर बोल रहा था कि ताहिर ये कहीं रुकता है दूर ऐसे ही, शुक्र करो कि फैसल मूवर्स वाले ने ना अभी स्टॉप अपना चेंज कर लिया है, ओके पहले बशाम में रुकते थे आगे जाके, तो वहाँ पे एक तो खाना भी उनका अच्छा नहीं है और वहाँ पे लास्ट में बुफे होता है कि एक पर्सन एक बुफे होता है, सही है yes, तो एक बंदा उसमें से कितना खा सकेगा रात के टाइम सफर में, 3-4 आइटम्स होते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज बिल्कुल भी वो लो होता है, ओके और एक्सपेंसिव भी मेरे ख्याल से 600-700 का एक होता है,
ठीक ठीक शुक्र है कि अभी लग रहा है किसी अच्छे होटल पे, देखते हैं बाकी इनका खाना। हाँ खाना कैसा है? अभी पहली बार है टायर का अभी हमारा भी इस होटल पर। और यार क्या यार बसें इतनी तेज और छोटी सी है, जो इतनी भी बसों में बैठा हूँ ये छोटी बस है, वो मदर बस होती है, ये छोटी डाटर बस है। और यार ऐसी इतनी फास्ट है कि मेरी तबीयत ख़राब कर दी, भाई को भी जुकाम है थोड़ा सा और मुझे तो ऐसी तबीयत ख़राब कर दी कि मैंने जैकेट पहनी, फिर मैंने मफलर अपना जो है मुँह पे मोड़ लिया और सो गया, क्योंकि मेरे को उल्टी आ रही थी ठंड की वजह से। अभी डिनर करेंगे, तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, 9:45 हो रहे हैं, तो डिनर करें, देखते हैं कौन सा डिनर मिलता है यहाँ पर, क्या मिलते हैं दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह से टी ब्रेक मिली है और एक जगह पर हैं जहाँ पर माशाल्लाह से ये आवाज़ जो है ये पानी की जो ऊपर से आ रही है नीचे जा रही है, और सामने पहाड़ देख सकते हो ऊपर ऊपर पहाड़, जहाँ भी नज़र जा रहा है ये पहाड़ है। और ये फाइल बताएगा कौन सी जगह है भाई? ये है सुम्बोगाला। यहाँ से 2 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे चिलार। ओके काशी भाई, ये लुत्फानंदोज हो रहे हैं भाई चाय और पराठा के साथ, और भाई ने चाय पी ली है ऐसा ही है, और हम तो इसको देख रहे हैं क्योंकि मैं चाय नहीं पीता बस पानी पी गए। यही है और मजा भी आ रहा है खुदा की कसम, नीचे देख रहा आवाज और पानी आपने देखा कितना ठंडा और ये पानी भी यहाँ का है, अपना हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं वो उससे ना पहुँचे ना ना, मिनरल वाटर इसके बराबर है ही नहीं भाई, ये रियल पानी नेचर पानी है, इतना मीठा इतना ठंडा है कि क्या बताएं, बर्फी कुछ नहीं। बस यहाँ से पानी चाय पिएंगे और अभी 4:15 हो रहे हैं, 4:30 सवा चार हो रहे हैं और इंशाल्लाह बस गिलगित 8 से 9 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ पर, आज मिलते हैं यही बताते रहेंगे आपसे। जैसे कि आप देख रहे हैं भाई हम गिलगित पहुँच चुके हैं, और ये हमारा भाई और ये हमारे दोनों भाई ताई अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ओके पहुँच गए, वो पहुँच गए हैं भाई नीचे आपसे। महाराज वेलकम टू गिलगित, ऐसा ही अभी सामने एक होटल है, हाँ उससे पूछें अच्छा था होटल, देखते हैं अभी वो अगर दे रहे हैं हमें सही में। ओके नहीं तो फिर नहीं नहीं यहाँ पर स्टे करना है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब अभी हम गिलगित में पहुँच गए हैं और ये स्टॉप है यहाँ पर लोगों को उतारा जाता है ऐसे। हाँ भाई ये फैसल मोज का है और तमाम तकरीबन जो सेंट्रल स्टॉप है यही है। तो अभी हम जो है अपने होटल ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम 24 घंटे रह सकें, क्योंकि कल हमें जाना है स्कर्दू सही है। तो इसलिए तो और भी लोग हैं लेकिन वो थोड़ा बुढ़े हैं। हाँ बुढ़े हैं, बच्चे भी हैं बुढ़े भी हैं ऐसे ही समझ लो, थोड़ा पारी करेंगे और देखेंगे तो जो हमें कन्वीनियंट पड़ेगा उसी में बिस्मिल्लाह करेंगे। तो अभी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के बताते हैं आपको। एक देखते रहे जिसमें हम पहले भी रहे थे, भाई आया था अच्छा है, बजट में भी है लेकिन देखेंगे उसी बजट में
अगर कोई उससे अच्छा मिलता है तो देखना चाहिए ना, हमें तो अच्छा ऑप्शन चाहिए। ओ ये एक कोई नहीं डन करना है। ये सामने का चप्पल का लोग बहुत अच्छा होता है, क्या का? ओके माशाल्लाह, क्योंकि पठान है, पठान में ये कबाब ऐसे नान और क्या बोलते हैं जो भी है अच्छे ही बनाते हैं, ऐसा ही है। और माशाल्लाह गिरगिट का व्यू चेक करें। और यहाँ पर गर्मी ऐसी है कि धूप में हम जो है पैदल जा रहे हैं ना, गर्मी नहीं लग रही, नहीं तंग नहीं हो रहे। नहीं तो हमारे सिटी में तो इतनी थी, रात अच्छी खासी ठंडी होगी। हाँ रात अच्छी खासी ठंडी होगी। तो आगे होटल वगैरह, ये सामने ही होटल है एक, सो देखते हैं बताते हैं आपको। सर आप अभी एक होटल देख के आए, अच्छा लगा है हमें, कराची का बंदा था और दे अच्छा रहा था। अभी एक और देखना है बस, अगर वो नहीं बना, उस पर बात नहीं बनी, तो फिर हम ये करेंगे कि इसको फाइनल करेंगे। अभी देखने जा रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे क्योंकि एक दो होटल पे ऐसा है कि उन्होंने मना किया है कि वीडियो जो है ना अलाउ नहीं है, तो इस वजह से ये भी होटल है जिसमें हमें ट्राई करना है। और देखते हैं जो अच्छा लगेगा, जो हमारे फायदे में पड़ेगा वही लेंगे। मिलते हैं, आप सामने ही व्यू देखो माशाल्लाह, ये है गिलगित बल्तिस्तान और ये हैं हम। भाई तीन होटल चेक कर आए और ये सामने ही पाक चाइना गेटवे होटल है और ये बोल रहा है 2500 और इस अगर इसने बोला 2000 तो इंशाल्लाह ये बुक कर देंगे, वरना वहाँ पर एक देख के आए वो हमें पसंद आया ऐसे नहीं वो पसंद आया ना यार। तीनों जो है ना तकरीबन सेम रेट है, सही है, थोड़ा सा फर्क है। तो हम ये देखेंगे कि अगर वो थोड़ा कम कर रहे हैं तो सही, तो ठीक है, नहीं तो फिर बस एक कोई सिलेक्ट कर लेंगे, एक सिलेक्ट कर लेंगे उसमें रहेंगे इंशाल्लाह 24 घंटे। यार जो है ना हाँ रेट सही है सबके, हाँ हाँ रेट फाइनल है पर नहीं सेट है, जबरदस्त। आओ घूमो फिरो यार, रेट कम है, 3000, 2500, 4000, ज़्यादा से ज़्यादा 4000। तो ये हमारे भाई यहाँ पर थे, फाइनली हमें भाई रूम मिल चुका है और ये होटल है माशाल्लाह, सारे रूम है और आपको रूम टूर करवाते हैं। ये माशाल्लाह हमारे को रूम मिला है जिसमें ये डबल बेड है और चोकर, हाँ पाक चाइना गेटवे होटल इसका नाम है, और ये डबल बेड्स हैं इसमें और ये एक सिंगल बेड है और एक मैट्रेस मिल जाएगी ना ताई, हाँ। और ये वॉशरूम है, इसकी वॉशरूम दिखा देता हूँ, और वॉशरूम भी क्लीनिंग है माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और आपको मैं बताता हूँ इसमें एक दो फायदे हैं, एक तो ये सामने का व्यू है, ज़बरदस्त व्यू है, देख सकते हैं माशाल्लाह, जो हम देखने आए वही सामने से ही देखते हैं, हाँ। और दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, और एक ये सामने से बाहर आएंगे तो सामने से ये भी व्यू है, खुदा की कसम ये व्यू चाहिए, और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। और ये इसका रेंट आपको बताऊंगा ना, यकीन नहीं करेंगे ऐसा ही ना, रेंट बताऊंगा यकीन नहीं नहीं करेंगे ना, बता भी नहीं, बता दे बता दे बता दे बता बता दो बता दो लगा दो, लॉक करो। हमारी डिमांड गिर जाएगी, 20,000 रेंट है नहीं, इतनी कम कर दो और कम कर दो ना, नहीं और पांच और नहीं दो कर दिया भाई साहब। ये 2000 में मिला है जिसमें हमको लाइट मिलेगी, वाईफाई मिलेगी और सर्विस फ्री मिलेगी, और होटल की ये है भाई पाक चाइना गेटवे होटल एंड रेस्टोरेंट। सो भाई हमारा क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन घूमना है, खाना तो अच्छा ही खा रहे हैं पर रहने में जो है ना इकोनॉमिक की और पैसे में थोड़ा जो है ना चलना पड़ता है, क्योंकि ये अगर मिल रहा है, ये ही चीज़ हमें देख के आए 4000 में भी मिल रही थी, 3000 में भी मिल रही थी, ऐसे ही नहीं। देखो लाइट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि देखो मौसम सही है, जबरदस्त धूप है लेकिन वो जलाने वाली धूप नहीं है, अभी ठंडा नहीं चल रहा, फिर भी ठंडा है, तो ऐसी या पंखे की जरूरत इतनी नहीं है, सोने के लिए चीजें मिल रही है, नहाने के लिए सब चीजें, और साफ सुथरा रूम और क्या चाहिए। और सामने ये हमारा पहले मैं रह के गया हूँ वो यही होटल है, रूम कोई और मिला था, हाँ 2 साल पहले आया था हमारे साथ मेरा खालाजाद भाई ताहिर मोहम्मद साहब और यहाँ रह के गया है।
सो इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत भी मिल रही है और सर्विस भी फ्री मिल रही है। सो यही है भाई, व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन जरूर दबाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो, मस्ते 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 ब्रो साहब। भाई रात का सफ़र करके आए हैं भाई, इतनी नींद आ रही है अभी, भाई काशी भी लेट गया है, एक दिन दो दिन का जी, दो दिन का 22 घंटे का। सो इस वजह से अभी यहाँ सोएंगे, ताई भी सो गया है और लेट गया है, और ये भी हाँ मैट्रेस पे, ये यार मासा लव इट, आई लव इट, आई लव यू जानू। सो ब्लॉग पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, बेल आइकन जरूर दबाना, इंस्टाग्राम में मस्त फॉलो, और इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में जिसमें आपको गिलगित टूर करवाएंगे।